हमारे पास है गाइज इंस्टा 360 और हमारे साथ है हमारे प्यारे पापा जी। तो क्यों ना पापा जी से एक छोटा सा ब्लॉग बनाया जाए और पापा जी को भी ब्लॉगिंग लाइफ का बादशाह बनाया जाए। तो पापा भी सोच रहे भैया ये कौन सा कैमरा है इतना लंबा डंडा पकड़वा के वैसे पूरा धरती वरती दिख जाता है। हेलो गाइस वेलकम टू पहाड़ी वाला ब्लॉग्स। आज का ये ब्लॉग गाइस स्पेशल रमजान के ऊपर होने वाला है और आज हमारे घर एक स्पेशल गेस्ट भी आने वाली है, हम सभी की दुलारी प्यारी हमारी दादी माँ, जिसे लेकर गाइस हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और हम सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट में उनका बेटा यानी कि मेरे पापा जी है। भाई 3 बार जा चुकी उन्हें पिकअप करने के लिए। एक्चुअली हुआ क्या ना कि हमारे दादाजी ना गांव से हमारी दादी जी को ऑटो बैठा कर अकेले भेज दिए और वो हमारे घर आ रही है, तो पापा जी उसे पिकअप करने के लिए रोड के पास 2 बार जा चुके हैं और ये मिलाकर 3री बार जा चुके, देखते तीसरी बार में दादी जी को लेकर आते या नहीं। सो उनका हम लोग वेट कर रहे हैं। फिलहाल अम्मी लोग यहाँ पे दादी जी के लिए स्पेशल जो है ना अवतार वगैरह बना रही है, यहाँ पे देख सकते हो कैसा लग रहा है अम्मी, तुम्हारी सास आने वाली है। तो पापा तो इतना एक्साइटमेंट में है ना कि मत पूछो। अच्छा क्या क्या बन रहा है स्पेशल आज? रुस्का है, पुआ है, कचरी है, स्पेशल डिशेस भी अम्मी बनाई है तार को लेकर। चलो फाइनली गाइस पापा आ चुके हैं दादी जी को लेकर। अम्मी आ गई दादी। अस्सलाम वालेकुम दादी, कैसा रहा सफर? आइए आइए अंदर आइए। क्या है सामान दादी जी? आ गई भी दादी। पापा 3 बार जा चुके हैं दादी आपको लाने के लिए। फाइनली हमारी दादी जी भी आ चुकी है, कैसा लग रहा पापा? बहुत अच्छा, बहुत। 2 बार रोड किए, मम्मी आ रही है, फिर 1 बार घर आ गई, फिर जी नहीं माना, फिर किए, फिर आ गए घर, कैगो टेम्पू को हुला खुला के देख रहे हैं कि मेरा मम्मी आ रहा है, तो कहाँ पर ही है, रुक गया दादा, छोड़ दिया वहाँ गाड़ी बैठा के। अब हमको चिंता पड़ गया कि का हुआ भाई कि अभी तक पहुँचा नहीं है दादी। 5 मिनट में देख रहे हैं कि दादी गाड़ी से उतर रही है। और हुआ क्या ना कि मेरी दादी जी ना मतलब फर्स्ट टाइम अकेले ट्रैवल करी है, तो इसलिए पापा इतना टेंशन में थे कि अकेले पता नहीं आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, तो इसलिए पापा इतना टेंशन में। ये बेटा हम केला डला दिए हैं। अरे वाह, डोरेमोन का ये पैकेट है, यहाँ केला ला दिए हैं, यहाँ से निकला केला और अंगूर हमारी दादी जी लेके आई है। और आज हम लोग इस ब्लॉग में कुछ क्रिएटिव ट्राई करने वाले, क्योंकि आज हमारे पास है इंस्टा 360 जो कि इस भाई का है, और भाई को मैं बहुत दिन से बोल रहा था कि भाई लेके आओ अपने YouTube फैमिली को कुछ क्रिएटिव दिखाना है। सो आज फाइनली बंदा को टाइम मिला है और लेकर आया है। सो आज हम लोग गाइस इंस्टा 360 के साथ काफ़ी कुछ क्रिएटिव करने वाले, और मैंने लाइफ में पहली बार आज इंस्टा 360 को पकड़ा है और यूज़ तो कभी किया ही नहीं है। सो आज हम लोग इसको अपने इस प्यारे से पहाड़ में जाकर ट्राई करने वाले। तो चलो पहले क्रिएटिव शॉट्स लेते, उसके बाद फिर आप सभी को दिखाते हैं। चला जाए, चला जाए। बेल पेड़ा, बेल खाना है क्या? हाँ यार पक्का होगा, आ जाओ गाइस अब बेल पेड़ में बेल तोड़ते हैं, आ जाओ। बाप रे बहुत सारा बेल है गाइस, और इंस्टा 360 का ये भी फायदा है कि आप लोग सामने से देख सकते हो कि फल पका हुआ है। गाइस आज हम लोग बेल तोड़ने वाले हैं, लेकिन ऊपर तक कैसे चढ़े हमको समझ में आ रहा है, इंस्टा 360 है ना भाई, पहुंच जाए। सो हम लोग आए हुए थे पहाड़ इंस्टा 360 से कुछ क्रिएटिव शॉट्स लेने के लिए, लेकिन उन बंदों को दिख गया बेल पेड़ और वो लोग भाई देखो बेल फल जो है वो तोड़ रहे हैं, वो लोग देखो किस तरीके से वो बंदा पेड़ पे चढ़ चुका है और वो लोग बेल तोड़ रहे हैं। हाँ भाई बेल पेड़ में कांटा रहता है, देख के साफ भी रहता है। फाइनली गाइस हम लोग पहाड़ के ऊपर आ चुके हैं अपने इंस्टा 360 को लेकर, और इसका स्टिक भी है गाइस काफी लंबा सा है। चलो फटाफट से क्रिएटिव शॉट्स लेते हैं। को नहीं था बता से जल्दा खेरे आई ले जाए ये तार तो मैं हूं दा
मेरा हाथ तुम्हारा का बोलो झूठा बुरा करोगे नगाना बिछोड़ी दाउल्टा बाइरा जानु ना रोएगा ना रुनु ता छादे छानी फाइनली हमारा इंस्टा 360 से शूट कंप्लीट हो चुका है और पहाड़ के ऊपर आने के बाद काफी मस्त ठंडा ठंडा हवा चल रहा है और इसके साथ आप लोग इंस्टा 360 वाले क्रिएटिव शॉट्स का मजा लो। हमारे पास है गाइज इंस्टा 360 और हमारे साथ है हमारे प्यारे पापा जी, तो क्यों ना पापा जी से एक छोटा सा ब्लॉग बनाया जाए और पापा जी को भी ब्लॉगिंग लाइफ का बादशाह बनाया जाए इस इंस्टा 360 से। तो लीजिए पापा, इसको पकड़िए, ऐसे पकड़ना है आपको और ऐसे सीधा चलते हुए जाना है आपको, हम बता रहे जैसे उस तरीके से आपको करना है, ठीक है? चलो पापा ही बोल रही है क्या पकड़वा दिया जैसे लंबा इतना हो गया, अब इसको हम स्टार्ट करके दे रहे, उसके बाद आपको चल के जाना है वहां तक, तो ऐसा लगेगा ना आप धरती में घूम रहे हैं। देखो पापा कैसे जा रहे हैं चल के इंस्टा 360 को लेके। अभी मैं और पापा जा रहे हैं अपने होम टाउन का कुछ क्रिएटिव शॉट्स लेने के लिए इस इंस्टा 360 से। फर्स्ट टाइम गाइस पापा के साथ इंस्टा 360 के साथ ब्लॉग बना रहा हूँ। पापा भी सोच रहे भैया ये कौन सा कैमरा है इतना लंबा डंडा पकड़वा के, वैसे पूरा धरती वरती दिख जाता है। पापा भी भक्त हो गए इसे देख कर। पापा बोल रहे कि अब की बार तुम इस कैमरा के लिए पक्का जीत करने वाले हो कि भाई ये कैमरा ऐसा है ही है। बात सही है। पापा बोल रहे तो मैं भी हेल्प कर दूंगा अगर अच्छा वीडियो बना तो। भाई पापा का जो ब्लॉग बनाया ना इस इंस्टा 360 से, वो एडिटिंग मुझे बहुत परफेक्ट करना होगा, तब जाके ये इंस्टा 360 मुझे पापा गिफ्ट करेंगे। अबे ना हम देखेंगे कि हाँ सही बना है कि नहीं बना, नहीं तो फिर ले देने के बाद फिर नहीं बनेगा सही तो फिर नहीं। पापा आपको दिखाएंगे, एडिट करके दिखाएंगे क्या खतरनाक वीडियो बनता है इससे। सो रमजान में ना अफ्तार जितने भी आस पड़ोस होते हैं ना उनके घरों में बांटा जाता है। सो अम्मी सबके लिए निकाल रही है और मतलब हर कोई कभी हमारे घर आ जाता है तो कभी हम लोग उनके घर पहुंचा देते हैं। ये पूरा सिलसिला पूरे 300 दिन चलता है, जितना दिन रमजान होता है उस वक्त तक चलता है। तो अभी सुहानी जा रही है अफ्तार लेके फूफी के घर देने के लिए। सो फाइनली गाइस सारे लोग अफ्तार में बैठ चुके हैं और अम्मी ने आज दादी के आने की खुशी में देख सकते हो इतना सारा अफ्तार बनाया है और वहाँ पे दादी और पापा अम्मी सब कोई एक लाइन से बैठ चुके हैं। और अभी मगरिब का अजान होने में लगभग 15 मिनट बचा हुआ है और ये 15 मिनट बहुत खास होता है जो भी रोजेदार होते हैं, जो सच्चे दिल से रोजा रखते हैं। और कुछ मिनट मगरिब के अजान से पहले अगर वो दुआ मांगते हैं ना तो वो दुआ कबूल होने के बहुत हद तक चांसेस होते हैं। तो इसलिए अफ्तार खुलने से कुछ मिनट पहले सारे लोग बैठ के दुआ मांगते हैं। देख सकते हो पापा दादी और बहन लोग सारे लोग दुआ मांग रही है। अब अजान होने में 15 मिनट बचा हुआ है तो 15 मिनट तक हम लोग दुआ मांगते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। चलो फाइनली गाइस अजान हो चुकी है, अब रोजा खुलते हैं। चलो गाइस मस्त अफ्तार करके नमाज पढ़ लिया है और अब जाके काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि रमजान में क्या होता है ना कि फजर के 3 बजे भाई उठकर सहरी करना पड़ता है और फिर डायरेक्टली शाम के 6 बजे अफ्तार करना पड़ता है। इसके बीच में ना ही कुछ खाना है, ना ही एक बूंद पानी गले से नीचे जाना चाहिए। डायरेक्टली 6 बजे अजान होगा मगरिब का, उसके बाद ही आपको रोजा खोलना है। तब भाई अभी रोजा खोल के काफी अच्छा लग रहा है। और क्या हो रहा है गाइस लोग यहाँ पे? यही दादी से हाल चाल पूछा जा रहा है। अच्छा घर पर सब कैसे हैं? अच्छा आपका पैर दर्द अभी तक नहीं ठीक हुआ? नहीं हुआ है। कहाँ दर्द करता है? कलिया? हाँ यहाँ दर्द करता है।
जब तेल वाला तेल हम लगा देंगे। कहाँ ने लगा देंगे? अरे तुम तो लगाइए करे, हम लगा देंगे अभी। अच्छा कभी पापा को भी सबाब कमाने का मौका दो। देखो बाप माँ रहेगा ना वही जानेगा, जिसका नहीं है उससे पूछो। बाप माँ का ही पैर के नीचे जन्नत है। बाप माँ का जितना खिदमत करोगे उतना ही सवाब मिलेगा। सवाब मिलेगा, जिसका बाप माँ नहीं है उससे पूछो कैसा लगता है। कैसा लगता है? मेरा बाप माँ है तो उसको हम थोड़ा करेंगे। नहीं सही है पापा। देखो हर घर में अगर ऐसा बेटा रह जाए तो माँ बाप को कभी मतलब दुख होने का सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं होगा। कितना खुशी महसूस करेगी। कैसा लग रहा है पापा आपको अपने अम्मी को देखकर? वही तो बोल रहे कि माँ को देख के तभी ना हमको लग रहा है कि पैर भी दर्द ठीक नहीं हो रहा है। उसको तेल थोड़ा सा लगा के देखते हैं, कल फिर ले जाएंगे डॉक्टर के पास। अगर तेल से अगर ठीक हो जाएगा कि चलो बेटा का तेल लगाया तो थोड़ा सा ठीक हो गया। नहीं एक होता है ना कि मतलब विश्वास भी होता है, जैसे डॉक्टर में अगर विश्वास नहीं है तो कितनों दवा खा लीजिएगा तो ठीक नहीं होता है। तो अगर दादी का अगर विश्वास हो गया कि नहीं मेरे बेटे ने तेल लगाया तो हो सकता है विश्वास से ही ठीक हो जाए। तेल और कहावत है भाई ना कि माँ बाप का पैर का नीचे जन्नत है, तो उसका सवाब हमको कब कमाना है? अभी ना कमाना, माँ बाप मेरा जिंदा है तो अभी ना कमाएंगे। बिल्कुल सही है बाबा। आज इसका नहीं है तो पूछो कि उसका नहीं है तो कितना उसको अथी लगता हो। लोग कितना अच्छा लगता है, माँ दुआ दे रही है, हम लोग को भी खुशी लगता है तो दुआ मिल रहा है। जब लोग दर दर भटकते हैं सवाब और पुण्य कमाने के लिए, लेकिन उनको पता नहीं कि ऊपर वाले ने हर एक घर में एक ऐसा जरिया दिया है माँ बाप, जिससे आप लोग सवाब और पुण्य कमा सकते हैं उनका सेवा करके, जिस तरीके से आज मेरे पापा कर रहे हैं। तो पापा बहुत लकी और मैं भी बहुत लकी हूँ कि हमारे पास माँ और बाप दोनों है। आज बाप का भी माँ सामने है, आज मेरा सामने मेरे है, पापा का भी अम्मी सामने है और मेरी अम्मी भी सामने है। किस्मत लाम तुमरा तेल लगा ना, अभी नहीं ऐसा समय आएगा तो लगाएगा ही। पक्का पक्का लगाएगा। अपने माँ बाप का सेवा नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? सेवा तो करना चाहिए, सबका सेवा करेंगे, माँ बाप का अपने फैमिली का कहना भी मानता है। सो अभी आ चुके मेरे फूफा जी मेरे दादी जी से मिलने के लिए, और फूफा जी की दादी जी सास लगती है, तो कैसा लग रहा है फूफा आपको अपनी सास से मिलके? वो तो सास नहीं है, माँ है, माँ ही है समझ लीजिए, हम सास नहीं मानते हैं। अच्छा बहुत अच्छा लगा ये सुन, नहीं मानते मतलब माँ माँ मानते हैं। कोलिन को देखिए, चरकी कोलिन को पहली बार देखे होंगे, गोरी कोलिन है। गिरेगा फोन गिरेगा, पढ़ाई कर तुम लोग, पढ़ाई कर। हाँ तो गाइस आज के इस ब्लॉग को हम लोग यहीं तक रखते हैं, और एक छोटा सा मैसेज मैंने आप सभी को दिया है कि जितना ज़्यादा हो सके आप लोग अपने माँ बाप का सेवा करो, उसका फल आपको ऊपर दूर की बात है दुनिया में ही देखने को मिल जाएगा। और आप लोग बताना कि आज का ये इंस्टा 360 का सिनेमेटिक शॉर्ट एंड कुछ क्रिएटिव शॉर्ट्स आप सभी को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बहुत सारे क्रिएटिव ब्लॉग आने वाले हैं। फिलहाल तब तक के लिए चलता हूँ, मिलते गाइस अगले फ्रेश ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।